नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की एक बेहतरीन कंपनी। बाजार में जहां वोलेटिलिटी है वहीं पर पीएनबी ने अच्छे ऑफर्स देना स्टार्ट कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड की घोषणा यहां पर हुई थी, 32% के आसपास का आपको डिविडेंड यहां पर कंपनी दे रही है। इस समय पे अगर आप देखो तो सरकारी बैंक्स जो है स्पेसिफिकली वो बहुत हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को टू अर्न द मनी और जो एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए वो काफी मदद कर रहे हैं। इस समय अगर आप देखोगे तो काफी चेंजेस स्टॉक में हुए, कंपनी की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई है। क्या टारगेट लेकर के आपको यहाँ पर चलना है, कितना पैसा आपका यहाँ पर बन सकता है, जिन लोगों को लॉस हुआ है, जिन लोगों ने अपर एंड पे बाय कर लिया था और अभी स्टॉक की गिरावट में काफी नुकसान करके बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, उसकी भी चर्चा यहां पर होगी। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की जहां तक बात रही, लोअर एंड पे एक सपोर्ट लेवल आपका जो बन रहा है वो इस समय अराउंड ₹ 3128 रुपीज के आसपास का है। 31 ट्रेड कर रहा है आपका स्टॉक, 28 रुपए पे आपका एक सपोर्ट लेवल जोन है। जो पहला रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करेगा दैट इज अराउंड रुपीज 33 रुपए 34 रुपए के आसपास का, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस लाइन हुआ करती थी आपकी। अगर आप पीछे भी जाकर के देखोगे तो यहाँ से स्टॉक आपका काफी बढ़िया चला है। लास्ट टाइम भी यहाँ पर कई बार इस स्टॉक को, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी जंप की है स्टॉक ने और लगातार इसके ऊपर रहा था। अभी जब यहाँ से ब्रेकडाउन मिला है तो थोड़े दिनों के लिए ये एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पर। अगर इससे ऊपर निकलता है तो 40 तक के लेवल भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल स्टॉक की जहां तक बात है, कंपनी की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि पीएनबी एक बेहतरीन कंपनी है। और कंपनी के तौर पे अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, 15% का मार्जिन है कंपनी के पास, 201 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाला था कंपनी ने, 21,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हो तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ है। वोलेटिलिटी जरूर है, अप एंड डाउन जरूर है, बट ग्रोथ है यहाँ पे। और सिंपल बात है यार, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है इस समय पे तो बैंकिंग सेक्टर इज ऑन द फ्रंट कि वो डिफेंड कर रहा है इन्फ्लेशन को, वो डिफेंड कर रहा है सीपीआई डब्ल्यूपीआई को, वो डिफेंड कर रहा है फिस्कल डेफिसिट वगैरह को। तो यहाँ पर थोड़ी वोलेटिलिटी बैंकिंग सेक्टर में होगी और इसी वजह से बैंकिंग जो है, सरकारी बैंक स्पेसिफिकली अगर आप बात करो, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 142% के आसपास का डिविडेंड दे रहा है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया था, आप जाकर के वो भी देख सकते हो। और यहाँ पर पीएनबी आपको 32% के आसपास का डिविडेंड ऑफर कर रहा है। डेट क्या है भैया, 22 जून को आपको मिल जाएगा। 22 जून से पहले अगर आप निवेश करते हो उस कंपनी में तो आपको सभी को डिविडेंड मिलेगा। 31 रुपए का स्टॉक है, मुझे लगता है खरीदारी आपको बिल्कुल यहाँ करके चलना चाहिए। फंडामेंटल के तौर पर बढ़िया है कंपनी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल मत उठाना और शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी। जिन लोगों का लॉस हुआ है इस समय पे होल्ड करो अपनी पोजीशंस को। लोअर एंड पे आरएसआई आप देखते हो 37 पॉइंट्स का है, मैग्डी आपका लोअर एंड पे आ चुका है, बट हाँ यहाँ से एक अच्छी रैली, एक अच्छा जंप लाने की इसमें पूरी काबिलियत है और यहाँ पर एक अच्छा जंप आएगा भी। बिल्कुल आपको होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, बाजार को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। एफआईआई लगातार बिकवाली जरूर कर रहे हैं बट बहुत जल्द ही बाजार आपको संभलता हुआ भी दिखाई देगा, होल्ड करने की मेरी सलाह है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट व्यूअर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट, अगर कुछ पूछना हो तो।